हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं शेडिंग के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ, पार्ट 1। तो आज हम इसमें ये जो आउटलाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर हम शेडिंग करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शेडिंग करना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल का, अभी आईज़ में जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और पेपर है आइवरी शीट A4 साइज़ पेपर, तो इससे मैं पहले आई कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम जो पहली लेयर है उसको हम करेंगे शेड। तो यहाँ पर मैं आई कंप्लीट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने जो आईज़ के लिए पेंसिल यूज़ की है वो है 2B और 4B। तो आप देख रहे हैं कि जो आईज़ है उसे मैं एकदम ब्लैक नहीं कर रहा हूँ, तो उसे मैं ब्लैक नहीं कर रहा हूँ और उसे अच्छे तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ जैसा कि रेफरेंस फ़ोटो में दिख रहा है। और फिर उसके बाद आई को ड्रॉ करने के बाद हम अपने शेडिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 2B पेंसिल से आई ड्रॉ करी है और उसके बाद मैं उसे ब्लेंड कर रहा हूँ। और फिर इसके ब्लेंड करने के बाद जो 4B पेंसिल है उससे हम उसे और डार्क करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आईज़ के लिए और इसे अब डार्क कर रहा हूँ। यही प्रोसेस हमारी शेडिंग के लिए भी रहता है, तो शेडिंग में भी हमें इसी तरीके से करना है। तो अभी देखिए आगे कि मैं किस तरीके से करता हूँ शेडिंग। If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah, let's do it on my own. So I gotta get through it. And the only thing I know is to. तो यहाँ पर मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ फेबर कैसिल का, और इससे हम भी पूरे फेस में शेडिंग करेंगे। और जो हाईलाइट पोर्शन दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, तो मैं उसे यहाँ पर अभी छोड़ता हुआ चलूँगा। आप देखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी मैं इसे छोड़ूंगा और फिर पूरी लेयर 2B पेंसिल की जो रहेगी वो हम इस तरीके से करते करते धीरे धीरे इस पर चढ़ा देंगे। तो अभी मैं इसे फास्ट कर दिया हूँ, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लग गया था, 15-20 मिनट तो इसी में चले गए थे मेरे। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर होने के बाद मैंने इसे कॉटन से ब्लेंड कर लिया था, तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लेंड कर लिया है। और अब जो सेकंड लेयर जो है वो हम 4B पेंसिल का यूज़ करके चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और जो आपको रेफरेंस फ़ोटो में जो डार्क पोर्शन दिख रहा होगा, हम उसी के अनुसार हमारी जो ड्राइंग है उसमें हम शेड करेंगे। तो जो डार्क पोर्शन दिख रहा है हम वहाँ वहाँ डार्क करने की कोशिश करेंगे और फिर उसे अच्छे तरीके से डार्क करेंगे और फिर उसे ब्लेंड करेंगे। तो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए किस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से करना है और आप अपने जो ड्राइंग में काफ़ी अच्छी स्मूथनेस ला सकते हैं शेडिंग के मामले में। तो यहाँ पर जो डार्क पोर्शन था हमने सब उसे डार्क कर दिया है जो रेफरेंस फ़ोटो में था, और उसके बाद इसे मैंने कॉटन से यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी ब्लेंड करना है, तो आप काफ़ी अच्छी स्मूथनेस ला सकते हैं। अभी देख रहे हैं आप कि हमारे जो शेडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो हम इसके जो हाईलाइट पोर्शन है उससे और हाईलाइट करेंगे और डार्क करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कॉटन बर्ड का यूज़ करके जो छोटा एरिया है उसे भी ब्लेंड कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आईज़ और नोज़ हैं और लिप्स है उसे हम डार्क करेंगे। और उसके उसके लिए हम 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और जो आईज़ की आउटलाइन है और आईब्रो की है तो इसे भी हम डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर तो शेडिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद जो हमारी जो आईज़ और आईब्रो वगैरह जो फीका फीका दिख रहा है तो इसे हम डार्क करेंगे, तो तभी हमारी जो शेडिंग है उभर के दिखेगी। तो अभी यहाँ पर मैं जो लिप्स हैं उसे भी अच्छे तरीके से शेड कर लेता हूँ और इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। और
इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट आएगा फ्रेंड्स हेयर के ऊपर, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके और जो नीचे दिया हुआ बेल आइकन नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है हेयर का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं जो भी पोर्शन है उसे हाईलाइट कर लूँगा। तो अब इसके लिए मैं जो है यहाँ पर लिप्स में जेली रोल पेन का यूज़ करूँगा और आइज़ में भी। तो ये कुछ ये पेन है, तो इससे जो आई में जो हाईलाइट पोर्शन है उसे मैं कर देता हूँ, और इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा हेयर के ऊपर। सो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।